नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं थिंक 360। हम अब इस वक्त आबू रोड की जो मानपुर हवाई पट्टी है, सभा स्थल पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा है और उसे सुनने के लिए लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं कुर्सियों पे खड़ी होकर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए पूरी कोशिशों में हैं और साथ ही बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं। हम आपको, चूंकि ये भीड़ का पिछला हिस्सा है, तो यहाँ से कई लोग सभा स्थल से वैसे जा भी चुके हैं कुछ लोग, लेकिन बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर मौजूद है। पाली जालोर सिरोही के लिए ये आज राजनीतिक जो यात्रा है भाजपा की 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए, इसका आगाज है राजस्थान में। प्रधानमंत्री ने पहले नाथ द्वारा में पूजा अर्चना करके, श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना करके इस अभियान की शुरुआत की है और प्रधानमंत्री सरकारी योजनाओं के मुद्दे पर अपना संबोधन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आज अभी पहुंचे हैं। यहाँ से वो सीधा ब्रह्मा कुमारीज जाएंगे। ब्रह्मा कुमारीज में उनका एक बड़ा कार्यक्रम है, एक अस्पताल की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। हम बात करेंगे आपसे, कहाँ से आए हैं सर आप? बात करें सर, कहाँ से आए हैं आप? सांसदोर से। क्या नाम है? नैनाराम। इधर कैमरे की तरफ देखिए। हाँ, नैनाराम। नैनाराम जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या मोदी जी को लेके क्या सोचते हैं आप? ये सोच बढ़िया है मोदी जी। मोदी जी की बढ़िया है, आपकी? अब मेरी भी बढ़िया है। अच्छा, हाँ। तो क्या मानते हैं आपके, बीजेपी जो है राजस्थान में सरकार बनाएगी? सरकार तो मोदी जी होने तो ठीक रहे। तो अशोक गहलोत जी ने आपके सांचौर को जिला बना दिया, आप क्या सोचते हैं? जिला तो बना दिया, हाँ। वो तो सुखराम जी काम ठीक किया है, पर केंद्रीय सरकार मोदी जी की। हाँ। तो सुखराम जी अच्छा काम कर रहे हैं? कर रहे हैं सुखराम जी अच्छा काम। वापस जीतेंगे? जीत जाएंगे, आ जाएगा पब्लिक है। नहीं, पब्लिक तो आप ही तो हो। हम तो हाँ, पर एक से तो होता नहीं ना। चलो ठीक। हाँ, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। बासा कहाँ से हैं आप? जालोर से। जालोर में कहाँ से? जालोर खास प्रॉपर जालोर है। अच्छा, तो यहाँ मोदी जी को देखने के लिए आए हैं? मोदी जी को देखने के लिए आया जी। कैसा लगा आपको? आप बहुत अच्छा लगा। तो क्या इस बार कौन सरकार बनाएगा राजस्थान में? सरकार तो यही बनाएगा, ये फायदा देगा। फायदा दिया नहीं, कढ़ाई दिया तो बोले जी। बासा से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दल्लाराम। दल्लाराम जी, कहाँ से हैं आप? जालोर। कैसा लगा आपको यहाँ के? हैं? कैसा लगा? जोरदार। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं? हाँ। तो भाषण क्यों नहीं सुन रहे आप मोदी जी का? भाषण तो हमें मोदी जा रही है, कुछ सुन नहीं रहा आपको है? चलो धन्यवाद। यहाँ बाजी, बाजी आपका क्या नाम है? बाबूलाल। बाबूलाल जी कहाँ से आए हो? जालोर। अच्छा, कैसे कैसे आना हुआ? बस में आए? बस में आया। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। तो क्या नरेंद्र मोदी वापस प्रधानमंत्री बनेंगे? बनेगा। और अशोक गहलोत? नहीं बनेगा। क्यों? मोदी जी अपने देश में ये फायदा की दिया, कई पेंशन की दिए गई। आपको पेंशन मिल रही है? बड़े दिए जा। कितने दे रही है? हाँ जी, हाँ। तो वो तो गहलोत सरकार दे रही है। हाँ, तो हमें मोदी जी ने 2000 के एरिया है। मोदी जी कह रहे हैं 2000 रुपए मिलेंगे। चलो, इनको विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इनको 2000 रुपए देंगे पेंशन के। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम रूबरू होंगे। कुर्सियों पे खड़ी होकर वो महिलाएं जो है वो प्रधानमंत्री की सभा का आनंद ले रही है। मैं आप बात करोगे? कहाँ से आए हो? मावल से। तो ये कुर्सी पे खड़े हो गए, कैसा लग रहा है? ये शर्मा रहे हैं। क्या नाम आपका? गुड़िया। कैसा लगा? क्या कह रहे हैं मोदी जी? वही तो सुन रही हूँ। अच्छा, ये इनसे बात करते हैं। क्या नाम? चरावी देवी। क्या नाम बताया? चरावी देवी। चरावी देवी, कैसा लग रहा है आपको मोदी जी को सुन? अच्छा लग रहा है। कौन वापस सरकार बनाएगा? मोदी जी। यहाँ किसकी सरकार है? मोदी जी की। अशोक गहलोत की सुनते हम? अशोक गहलोत की नहीं, मोदी जी की। तो राजनीतिक समझ का स्तर अधिक नहीं होने के बावजूद महिलाओं में खासी दीवानगी है प्रधानमंत्री मोदी को सुनने को लेके। कुर्सियों के ऊपर खड़ी है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर इस कार्यक्रम में उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है और आप देख सकते हैं मेरे दाई तरफ काफी लोग यहाँ से रवाना हो गए हैं। लंबे समय से वो जो है वो इंतजार कर रहे थे
लंबा इंतजार हो गया, पानी और दैनिक क्रियाओं की जो आवश्यकताएं हैं उसमें थोड़ी समस्या आने के कारण लोग वापस निकल रहे हैं। थिंक 360 के लिए प्रदीप बिदावत।